सांस की बीमारी है, खांसी की बीमारी है और ये हाथों में एलर्जी भी हुआ है। बहुत बीमारी एलर्जी है, टीवी कैंसर से भी बहुत आदमी मर लिया हमारे गांव में। ये है पानीपत का खुकराना गांव और ये वो लोग हैं जो इस गांव में रहना अपनी बदकिस्मती समझते हैं। वजह है गांव में बना थर्मल पावर स्टेशन और सीमेंट प्लांट, जिसके कारण ग्रामीणों का जीना दुभर हो गया है। न सिर पर बाल बचते हैं और न ही शरीर की चमड़ी का असली रंग, अगर कुछ मिल रहा है तो बस बीमारियां। गांव में चमड़ी और सांस के बीमारियों के मरीज की तादाद बढ़ते हुए करीब 90% हो गई है। चमड़ी के रोग के साथ साथ इस गांव में दमा और टीबी के भी मरीज है। सीमेंट भी राखी भी दोनों चीज आऊँ और या इसका कुछ गवर्नमेंट ने समाधान करना चाहिए। मारा बच्चा में भी असर पड़ा इसका। क्या बीमारी है? सांस की बीमारी है, खांसी की बीमारी है और ये हाथों में एलर्जी भी हुआ है। कई किस्म की बीमारी है। सरकार कोई ध्यान नहीं देती इसे? कोई हमारी तरफ से तो मामला लगा नहीं, कोई ध्यान दे रहा है। ये प्रदूषण की वजह से गंदगी फैल रही है, बीमार हो रहे हैं, जो ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। बच्चे छोटे ज़्यादा, बड़े बुजुर्ग ज़्यादा बीमारी फैलती है। हाँ, यहाँ तो जी प्रदूषण की वजह से बहुत बीमारी, एलर्जी है, दमा अस्थमा टीवी कैंसर से भी बहुत आदमी मर लिया हमारे गांव में। और बहुत लंबा ओ टाइम चल गया शिफ्टिंग होने के, उसमें सरकार देर कर रही है। इफ जल्दी से जल्दी कुछ प्लाट छोड़ दिए हैं गांव के, मुआवजा कम दे रखा है हमारे गांव में। ये मुआवजा बढ़ाया जाए और जो प्लाट जिसके हैं सारे दिए जाएं, जल्दी से जल्दी हमारे को प्लाट अलाउट कर दे तो यहाँ से गांव शिफ्ट हो गया, अपने नए मकान बनाए, बीमारी से बचा जाए, बीमारी से बचा जाए और आगे सारी सुविधा दी जाए हमारे। कितने परसेंट लोग गांव के बीमार हैं? और यहाँ से लगभग 70% छोटे से बड़े 70% बीमार हैं। कभी कोई आता है स्वास्थ्य विभाग वाले जाँच करने या कुछ? ये सरकारी कोई नहीं आता, एक आधी बार जो आते आती हैं कंपनी वाले भेज देते हैं। सरकार की तरफ से कोई नहीं आता। लगातार बीमारी फैल रही है, लगातार बहुत बीमारी फैल रही है। कोई डॉक्टर आज तक नहीं आया? कोई डॉक्टर नहीं आया। खुद ही पैसे खर्च के, खुद पैसे करके कोई रोज किसी को अटैक हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, बहुत बीमार आदमी। किस वजह से है फैल रही है? प्रदूषण है ज़्यादा। ये राखी का पहले थर्मल का था, कोले का, राखी का और फिर सीमेंट फैक्ट्री भी होगी, सीमेंट फैक्ट्री की भी धूल बहुत आती है, इस वजह से ज्यादा हुआ। बता दें 2012 में इस गांव को शिफ्ट करने के आदेश दिए जा चुके थे लेकिन अभी तक गांव शिफ्ट नहीं हो पाया। ग्रामीणों की माने तो सरकार ने गांव बसाने के लिए उन्हें जमीन तो दे दी लेकिन उस जगह पर काम कछुए की गति से चल रहा है और यहां पर इस गांव में ग्रामीणों का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। प्रकार की बीमारी है? बीमारी एक तो चमड़ी की बीमारी, चरम रोग है, एक सांस की बीमारी है। ये मेरे भी बोलने में दिक्कत आ रही है, सांस की दिक्कत है। ऐसा हो रहा है जैसे जैसे कोरोना में नहीं करता कि सांस नहीं आवा था, सांस बोल में दिक्कत आवा। यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा है, राखी का ये सड़क पर राखी आवा है, ये ट्रक लोड हो के जावा बिल्कुल सड़क पर एक्सीडेंट होने का भय रहा है 24 घंटे। उधर से सीमेंट आती है गांव में, मेरे घर में जाके देख लियो, अब डेली इतनी सीमेंट समरा हम वो आ रही थे। डस्ट बहुत ज़्यादा है, बीमून की वजह से बीमारी है, चमड़ी की बीमारी है, ये सारे दमे की है, ज़्यादा सांस वाली बहुत ज़्यादा बीमारी है। इसमें कम से कम 80% लोग हो जिनमें सांस लेने में दिक्कत है। गांव में क्या कर रहा है? इस गांव में जी कई 3-4 बीमारी है। एक तो इस धूल मिट्टी से आदमी को सांस की दिक्कत आती है, दूसरा यह सीमेंट फैक्ट्री है, ये रात को सूखे फुहारे से अडाते हैं उसको, वो आदमी आगे काना पे सारों को दम है, वो सीमेंट की भी बड़ी खराब है। हाँ, चमड़ी का तो कई किस्म की बीमारी है भाई यहाँ तो। खुकराना गांव में करीब 3000 लोग रहते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन 3000 लोगों के लिए कोई भी नया मकान नहीं बनाया गया। नया मकान न बनाने के पीछे की दो वजह हैं।
पहली वजह, ग्रामीण यही सोचते हैं कि गांव शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन साल दर साल बीत रहे हैं, ये गांव शिफ्ट नहीं हो रहा। दूसरा कारण ये है कि इस गांव में वाटर लेवल बहुत ही ऊपर है, जिस कारण जमीन भी धंसने का डर लगातार बना रहता है। गांव में पुराने घर इसलिए ऐसे क्योंकि गरीब बंदा सर दोबारा जो घर नहीं बना सकता, वो ये सोचता है कि एक बारी में बनाए अच्छा बनाए, लेकिन बार बार ये हो रहा है कि प्लाट का की बात देख रहे कि गांव उठेगा लेकिन उठ नहीं रहा है। तो उठा क्यों रहे हैं यहाँ से, वाटर लेवल ऊपर है क्या, घर नहीं बना? नहीं सर, धूल की वजह से यहाँ से जैसे सड़कों पे आती है ना वहाँ प्लाट से उठ उठ के धूल से बहुत सारी धूल आ जाती है, जिससे हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है सर, आँखों में सबसे ज्यादा आँखों में की दिक्कत हो रही है। सीमेंट प्लांट और थर्मल पावर स्टेशन से उड़ने वाली राख के कारण आपको इस गांव के हर घर में चमड़े की बीमारी का मरीज जरूर मिलेगा। यही वजह है कि इस गांव के हर घर में एक चमड़े की बीमारी का मरीज है। यही वजह है कि इस गांव के युवा अब तक कुंवारे बैठे हैं। यही वजह है कि इस गांव में रहने वाले लोगों के रिश्तेदार उनके घर पर नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे इस गांव में एक भी रात बिताएंगे या तो फिर कोई भी अपने घर की बेटी का ब्याह इस गांव में करेगा तो उन्हें भी ये बीमारी लग जाएगी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कब तक इस गांव को शिफ्ट किया जाता है और लोगों को इस नर्क से निजात मिल पाती है। शायद तभी इस गांव के 90% लोग एक आजादी भरी जिंदगी जी पाएंगे, जहां पर उन्हें किसी भी बीमारी का डर नहीं होगा। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज 18, हरियाणा।